देखो क्वेश्चन है मेन 2019 का। क्वेश्चन कह रहा है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कंप्राइजेस ऑफ फाइव बॉयज एंड एन गर्ल्स इफ द नंबर ऑफ वेज इन विच अ टीम ऑफ थ्री स्टूडेंट्स कैन रेंडमली बी सिलेक्टेड फ्रॉम दिस ग्रुप सच दैट देयर इज एटलीस्ट वन बॉय एंड एटलीस्ट वन गर्ल इन ईच टीम इज 1750 देन एन इज इक्वल। देखो क्या कह रहा है, फाइव बॉयज, पांच बॉयज हैं और आपके पास एन जो है गर्ल्स है, ठीक। अब कह रहा है हमें तीन का टीम बनाना है, एक दो तीन, ठीक है। और कह रहा है एटलीस्ट हमें एक लड़का और एक लड़की तो जरूर चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज का ग्रुप बना दिया, सिर्फ गर्ल्स का ग्रुप बना दिया। तो देखो इसका पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो इसमें हम आपको बताते हैं कि आप देखो 5C1 एक लड़का ले लिए तो हम लड़की कितना लेंगे, NC2। फिर दूसरा तरीका यह हो सकता है कि हम दो लड़का ले लें 5C2 NC1, लड़की एक लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला पॉसिबिलिटी 5C3 कर देंगे तो नहीं संभव है भाई, तीन के तीन लड़का ही हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। बस यही दो पॉसिबिलिटी जो कि इसका किसके बराबर दे रखा है 1750 के बराबर। 5C1 करें तो 5 × (n·n−1/2) + 5 × (4/2) NC1 जो कि n के बराबर है इज इक्वल टू 1750। देखो 5 फैक्टर्स हैं, 5 से इसको काट दो, ठीक है। n भी फैक्टर आउट कर लो, ठीक है। तो n फैक्टर आउट कर लिया, 5n/2 कर लो ना, सिंपल सा 5n/2। तो n−1, ठीक है, 5n/2 + 4 इज इक्वल टू 1750, काट दो, 5 × 15 = 25 ये। तो n² + 3n − 700 = 0, ठीक है, ये आ गया। अब देखो 700 है तो 700 का फैक्टराइज करो, 700 5 से 140, फिर 7 से 20, फिर 5 से 4, तो 25 × 28, हाँ ठीक है। दिस इंप्लाइज n² + 28n − 25n − 700 = 0, ठीक है। तो यहां से फिर आपके पास क्या आया, n + 28 × (n − 25) = 0, दिस इंप्लाइज n = 25, ठीक है। तो ये था आसान तरीका से, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके पास, सी, ठीक है।